अस्सलाम वालेकुम डियर वंस, देखें जैसा कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 तक सॉल्व किए, तो माइक की प्रॉब्लम की वजह से मैंने इवन के क्वेश्चन तो सारे सॉल्व किए, 72 तक मैंने सॉल्व किए थे, लेकिन वो माइक की प्रॉब्लम की वजह से साउंड रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी, जिस वजह से लेक्चर मैंने वहाँ तक उसको स्किप किया 69 क्वेश्चन तक। तो ये जो अभी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये पिछले लेक्चर का प्रीवियस लेक्चर का रिमेनिंग पार्ट है, सेकेंड पार्ट कह सकते हैं। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 70 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 71 को देखेंगे और क्वेश्चन नंबर 72 को देखेंगे। 72 तो यहाँ पे ऑलरेडी सॉल्व है तो इसको देख लेते हैं। कहता है जी एफ ऑफ यू विच इज इक्वल टू यू माइनस वन ओवर यू प्लस वन का स्केयर, यू विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ओवर एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स विच इज इक्वल टू माइनस वन दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले हमने क्या लेना है, जी ऑफ एक्स। अगर आप लोग इसी लेक्चर को पहले देख रहे हैं तो पहले आप लोग प्रीवियस लेक्चर को जाके देखें, क्योंकि ये लेक्चर प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टार्ट हुआ था, अभी इसका एंड होने जा रहा है, तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए थे वो मैं करवाने जा रहा हूँ। तो जी ऑफ एक्स, अब आपके पास यहाँ पे एक्स वन ओवर एक्स की पावर टू को आप लोग लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस टू माइनस वन, और इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे तो ये पावर रूट पीछे आ जाएगा, माइनस टू बन जाएगा, एक्स की पावर में एक और माइनस करेंगे माइनस थ्री बन जाएगा, माइनस वन कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है तो माइनस टू ऊपर आ जाएगा, एक्स की पावर माइनस थ्री को नीचे लेके देंगे तो ये बन जाएगा एक्स की पावर थ्री। हमें जो है ना वो हमें किस पे इसकी वैल्यू चेक करनी है, एक्स इक्वल टू माइनस वन के ऊपर। तो माइनस वन जब पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस वन पुट किया तो जी ऑफ माइनस वन बन गया, यहाँ पे माइनस वन पुट किया तो माइनस वन की पावर माइनस टू माइनस वन विच इज इक्वल टू जीरो, ये माइनस वन की पावर माइनस टू वन होता है, वन माइनस वन जीरो होता है, ठीक हो गया। अब बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे जी प्राइम ऑफ एक्स की जगह पे भी आप लोग माइनस वन पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस वन पुट किया तो माइनस वन की पावर थ्री आपके पास क्या होगा जी, माइनस वन होगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये टू यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोगों ने ये वाला फंक्शन लेना, ये फंक्शन आपके पास एफ ऑफ यू, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्योंकि इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर पीछे आ जाएगा, यहाँ पे पावर रूल लगेगा टू पीछे आ जाएगा, यू माइनस वन ओवर यू प्लस वन, दोबारा से इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी यू, यू माइनस वन ओवर यू प्लस वन, उसके बाद टू टू इंटू यू माइनस वन ओवर यू प्लस वन। यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो क्वेश्चन रूल में क्या होता है जी, यू प्लस वन का स्केयर आता है, ऊपर यू प्लस वन वैसे के वैसे आ गया, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे वन होगा माइनस, फिर यू माइनस वन वैसे के वैसे आ जाएगा, फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे इसका डेरिवेटिव वन होता है। आप देखें जी यहाँ पे यू इंटू टू इंटू यू माइनस वन ओवर यू प्लस वन, यू प्लस वन माइनस यू प्लस वन, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा, प्लस वन आ जाएगा ओवर यू प्लस वन का स्केयर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, टू इंटू यू माइनस वन ओवर यू प्लस वन, ये u u के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस वन टू होता है, टू ओवर u प्लस वन का स्केयर आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा 4 ओवर u प्लस वन का स्केयर, u माइनस वन और u प्लस वन वैसे का वैसे आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे आप लोग, आपके पास है यहाँ पे ये u की जगह पे u किसके बराबर है, u बराबर है जी ऑफ एक्स के बराबर है, और एक्स किसके बराबर है माइनस वन के बराबर है, तो यहाँ पे पुट करेंगे जी ऑफ माइनस वन, तो u की जगह पे जब भी जी ऑफ माइनस वन पुट किया, जी ऑफ माइनस वन किसके बराबर है, जी ऑफ माइनस वन बराबर है जीरो के, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे यू है वहाँ वहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो फोर ओवर जीरो प्लस वन का स्केयर जीरो माइनस वन ओवर जीरो प्लस वन, इसके अंदर जहाँ जहाँ पे यू है वहाँ पे जीरो पुट कर दिया, एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ माइनस वन विच इज इक्वल टू, ये सारा सारा वन हो जाएगा तो ये भी वन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस फोर, ये वाला माइनस ये माइनस फोर आ जाएगा। तो अब फार्मूला आपके पास क्या होता है, एफ ओ जी प्राइम ऑफ माइनस वन विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ जी एफ माइनस वन और जी प्राइम ऑफ माइनस वन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। एफ प्राइम ऑफ जी एफ माइनस वन अभी आपने निकाला माइनस फोर, इसको यहाँ पे पुट किया, जी प्राइम ऑफ माइनस वन यहाँ पे मौजूद है, जी प्राइम ऑफ माइनस वन टू के बराबर है तो यहाँ पे टू पुट किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एट। ये था आपके पास कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है जी, 72 ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, इजी है सिंपल है। इसके बाद जो हमारे पास रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। देखें जी हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में, कहता है एफ ऑफ यू विच इज इक्वल टू यू प्लस वन ओवर कॉस स्क्वायर यू, यू इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पाई एक्स, और एक्स आपके पास सुने यहाँ पे दिए हो आपको वन ओवर फोर। तो देखें जी यहाँ पे आप लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ यू विच इज इक्वल टू यू प्लस, क्योंकि कॉस जो है ना वो सीकेंट का उल्टा होता है तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग सीकेंट स्क्वायर यू, इसको आप लोग हाईलाइट कर लें बाद में काम आएगा, इजीली इसका डेरिवेटिव निकाल सकेंगे। तो इसकी बात करते हैं जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पाई एक्स, इसको लेके चलते हैं, जी ऑफ एक्स विच उल्टू विच इज इक्वल टू पाई एक्स आ जाएगा तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो जी प्राइम ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा पाई, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव वन हो तो ये पाई आ जाएगा। अब आपके पास बेसिकली एक्स किसके बराबर है, वन ओवर फोर के, तो यहाँ पे वन ओवर फोर पुट करें, यहाँ पे भी
एट एक्स इज इक्वल टू वन ओवर फोर, तो यहाँ पे भी वन ओवर फोर पुट किया तो जी इंटू वन ओवर फोर विच इज इक्वल टू, यहाँ पे वन ओवर फोर पुट करेंगे तो ये बन जाएगा पाई बाय फोर, इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी पुट करते हैं जी प्राइम ऑफ वन बाय फोर पुट करेंगे तो, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पाई वैसे के वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, इसको भी आप लोग यहाँ पे हाईलाइट कर लें। अब आपने क्या कर लेना है जी, आपने इसका इस फंक्शन को लेना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, एफ प्राइम ऑफ यू लेना है, तो यू का डेरिवेटिव वन होगा, सीकेंट स्केयर यू है तो टू पीछे आ जाएगा, यहाँ पे पावर लो गया टू पीछे आ जाएगा, टू सीकेंट यू, दोबारा से सीकेंट यू का डेरिवेटिव लेंगे तो वो होता है जी सीकेंट यू टेन यू, सीकेंट यू टेन यू। अब देखें जी एफ प्राइम ऑफ यू विच इज इक्वल टू वन प्लस टू, ये सीकेंट दो दफा यहाँ पे आया तो लिख सकते हैं आप लोग सीकेंट स्केयर यू और आपके पास यहाँ पे आ गया टेन यू। अब यू दरअसल किसके बराबर है, यू बराबर है जी एफ एक्स के, तो यहाँ पे पुट करें जी एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स, एक्स किसके बराबर है वन बाई फोर के, तो वन बाई फोर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे वन बाई फोर है तो यहाँ सॉरी यहाँ पे आ गया जी 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 इंटू वन बाई फोर, तो g इंटू वन बाई फोर का की वैल्यू बेसिकली क्या है, g इंटू वन बाई फोर बराबर है पाई बाई फोर के, तो जहां जहां पे u है वहां वहां पे पाई बाई फोर पुट करेंगे, वन प्लस टू सीकेंट स्केयर पाई बाई फोर और इसके बाद आ जाएगा जी टेन पाई बाई फोर आ जाएगा, तो ये आपके पास क्या बनेगा देखें जी, वन प्लस टू। अब टेन पाई बाई फोर यानी कि टेन 45 डिग्री, सबको पता है कि वन नहीं होता, ऑब्वियसली वन होता है, तो सीकेंट स्केयर पाई बाई फोर, सीकेंट पाई बाई फोर क्या होता है, सीकेंट 45 डिग्री होता है जी स्केयर रूट टू, दो का जजर, तो स्केयर रूट टू के ऊपर जब स्केयर लेंगे, ऊपर स्केयर भी मौजूद है ना, स्केयर लेंगे तो स्केयर स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे टू बचेगा, तो वन प्लस फोर विच इज इक्वल टू ये फाइव के इक्वल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आप लोग एंड पे क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है आपके पास एफ ओ जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू है वन ओवर फोर विच इज इक्वल टू, ये फार्मूला बनेगा एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ वन ओवर फोर और जी प्राइम ऑफ वन ओवर फोर, ये आपके पास फार्मूला होता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दें एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ वन ओवर फोर, जब हम लोगों ने निकाला ये फाइव के इक्वल है, ये 5 के इक्वल है और g प्राइम ऑफ 1 ओवर 4 किसके बराबर है, g प्राइम ऑफ 1 ओवर 4 पाई के बराबर है, यहां पे पाई पुट कर दें तो ये बन जाएगा 5 पाई। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 70, ठीक हो गया जी। अब हम लोग इसके बाद आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 की तो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, अब 71 की बात करते हैं जो हमारे पास रह चुका है, तो 71 की बात करके देख लेते हैं जी। देखें जी क्वेश्चन नंबर 71 में कहता है एफ ऑफ यू विच इज इक्वल टू यू ओवर यू स्क्वायर प्लस वन, यू विच इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स जो कि टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन के बराबर, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू उसने आपको जीरो दी हुई है। ये भी वैसे ही करना जैसे 72 आप लोगों ने करना है किया था, 72 के अंदर हम लोगों ने जब इसका डेरिवेटिव लिया तो हमने क्वेश्चन रूल लगाया था, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली ये बटे की फॉर्म में है, डिवाइड की फॉर्म है, यहाँ पे भी क्वेश्चन रूल ही लगेगा, उसी तो बात हम बाद में करेंगे, पहले इसको लेके चलते हैं जी प्राइम ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव लेंगे पहले जी ऑफ एक्स किसके बराबर है जी टेन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू टेन को टू से मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ जाएगा, 20x प्लस वन आ जाएगा, क्योंकि पावर लगेगा दो को टेन से मल्टीप्लाई करें तो 20x बन जाएगा प्लस एक्स का डेरिवेटिव वन होता है तो वन का डेरिवेटिव जीरो होता है, उसको लिखें ना लिखें। अब हम लोग क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे जहां जहां पे एक्स है, तो लिखें जी एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जी ऑफ जीरो किसके इसके बराबर आएगा, यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे सारा का सारा जीरो, ये भी जीरो, ये वन बच जाएगा, तो इसको आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे पुट करें जी प्राइम ऑफ जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करें तो जीरो हो जाएगा, ये वन बच जाएगा, दोनों की वैल्यूज आपने हमने हाईलाइट कर दी, इसका आंसर भी जीरो, इसका आंसर भी जीरो आया, इसका आंसर भी आपके पास वन है, इसका आंसर भी आपके पास वन आया। अब उसके बाद वही प्रोसेस हम लोग करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इस फंक्शन को लेंगे, इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा एफ प्राइम ऑफ यू विच इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास लगेगा क्वेश्चन रूल, तो नीचे इसका स्केयर बन जाएगा यू स्केयर प्लस वन, इसका स्केयर बन जाएगा ऊपर यू स्केयर प्लस वन, वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे डी ओवर डी यू, ऊपर वाली का टू यू का माइनस टू यू, वैसे का वैसे लिखेंगे, फिर आप लोग डेरिवेटिव लेंगे यू स्केयर प्लस वन का, उसके बाद देखें जी आपके पास क्या बनेगा एफ प्राइम ऑफ यू विच इज इक्वल टू,
यू स्केयर प्लस वन तो वैसे का वैसे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव टू आता है, माइनस टू यू वैसे का वैसे आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आपके पास हो जाएगा टू यू, डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा जी यू स्केयर प्लस वन का स्केयर आ जाएगा। अब देखें इसको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो टू यू स्केयर प्लस टू बन जाएगा। देखें जी एफ प्राइम ऑफ यू विच इज इक्वल टू टू यू स्केयर प्लस टू माइनस दो को दो से मल्टीप्लाई फोर यू स्केयर, और डिनोमिनेटर में यू स्केयर प्लस वन का स्केयर बन जाएगा। अब देखें जी इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे। तो देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास टू यू स्केयर है, टू यू स्केयर माइनस फोर यू स्केयर ये बन जाएगा माइनस टू यू स्केयर। तो लिखें यहाँ पे एफ प्राइम ऑफ यू विच इज इक्वल टू माइनस टू यू स्केयर प्लस टू आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपके पास है जी यू स्केयर प्लस वन का यहाँ पे आपके पास स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग टू को कम लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं लेना चाहते तो रहने दें। तो यहाँ पे यू की जगह पे आप लोग क्या पुट करेंगे, यू की जगह पे जी ऑफ एक्स पुट करेंगे और एक्स आपके पास जीरो के बराबर है तो यहाँ पे पुट कर देंगे एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ जीरो, क्योंकि यू की जगह पे आपके पास जी ऑफ जीरो है तो जी ऑफ जीरो किसके बराबर था, जी ऑफ जीरो वन के बराबर था। तो जहां जहां पे यू है वहां वहां पे वन पुट कर दें, वन का स्केयर प्लस टू ओवर वन का स्केयर प्लस वन इसका होल स्केयर आ जाएगा। तो ये बनेगा जी माइनस टू प्लस टू ओवर वन प्लस वन टू का स्केयर, तो माइनस टू प्लस टू जीरो हो जाएगा, तो ये सारा का सारा ही आपके पास जीरो बन जाएगा यहाँ पे। अब एंड पे आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे वही जो फार्मूला आपके पास है एफ ओ जी प्राइम ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो है तो विच इज इक्वल टू ये बनेगा एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ जीरो और जी प्राइम ऑफ जीरो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दे एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ जीरो की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है जीरो और जी प्राइम ऑफ जीरो की वैल्यू वन थी तो वन को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ आज के लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 का। आखिर में आपसे प्यार से मोहब्बत से यही रिक्वेस्ट होती है कि सब्सक्राइब लाजमी किया करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ क्लास में इसके साथ लाजमी शेयर कीजिए, अपना भी ख्याल रखा करें, इस चैनल का लाजमी ख्याल रखा करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।